चलिए पूजा करते हैं सोमवार अष्टमी की, वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार। यह पूजा आप किसी भी सोमवार की अष्टमी में सुबह या शाम कर सकते हैं। इसमें गुरु जी के बताए गए कई उपायों को शामिल किया गया है। अगर आप इस तरह पूजा करेंगे तो आपके जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्रता, बीमारी दूर हो जाएगी और जीवन में वैभव, धन संपदा बढ़ने लगेगी। साथ ही आपको नौकरी और व्यवसाय में भी सफलता मिलना निश्चित है। सबसे पहले आप हमारी पूजा की थाली देख लीजिए, इसमें हमने कई उपायों में बताई गई चीजों को शामिल किया है। अब पूजा करना शुरू कीजिए और शिवलिंग में सबसे पहले जल अर्पित कर दीजिए। अब आप अष्टगंध से शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण कर दीजिए। शिवलिंग पर आप अक्षत मतलब चावल भी अर्पित कर दीजिए। अब बेलपत्र की पत्तियों में चंदन लगाकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। इसके बाद गणेश, कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी की जगह पर चंदन का तिलक लगा दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कर दीजिए। इसके बाद नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि के लिए शिवलिंग पर धतूरा अर्पित कर दीजिए। साथ में सफेद पुष्प भी अर्पित करना ना भूलें। आप पूजा उत्तरमुखी होकर भी कर सकते हैं। भीड़ होने की दशा में किसी भी दिशा में बैठकर पूजा करना गलत नहीं है, बस जलाधारी से जहां जल बह रहा हो वहां ना बैठें। इसके बाद शिवलिंग पर पुष्प भी अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, भस्म और अबीर भी अर्पित कर दीजिए। हमने अभिषेक नहीं किया है, पर आप चाहो तो अभिषेक भी कर सकते हो। एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इसके बाद काली में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। वैसाख महीना चल रहा है तो बेलफल को शिवलिंग पर अर्पित करना ना भूलें। इसके बाद शिवलिंग पर सत्तू को टच करके मतलब स्पर्श करा के नीचे रख दीजिए। कुछ मूंग के दाने और जो भी शिवलिंग पर अर्पित जरूर कीजिए। पूरी पूजा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहें। पूरी पूजा करने के बाद महादेव से अपनी मनोकामना करें। अगर कोई बीमारी है तो जलाधारी से जल को प्राप्त करके उसको अपने नैनों से लगाएं और उसका आचमन भी कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।